हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन, जो कि आपके शॉर्ट में आ सकता है सर, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बारे में हम अच्छी खासी चीजें आपको बता देंगे। छोटे क्लास से हम लोगों ने पढ़ रखा है विटामिन जो है हम लोगों को मिलती है क्या, शरीर के अंदर तो बनती नहीं है, तो हम लोग बाहरी सोर्सेस से, पौधों से, जंतुओं से, इन सबसे इन्हें प्राप्त करते हैं सर, ठीक है। कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, आदमी को रात में दिखाई नहीं देता है, तो इन सब के बारे में डिटेल करेंगे। किस तरीके से आप इनके केमिकल नेम याद कर सकते हैं वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है भैया। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें सी हो, एच हो, ओ हो, यानी कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सब हो तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं सर, ठीक है। जो ह्यूमन में कई रिएक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं, जो ह्यूमन में कई रिएक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं, मनुष्य इन्हें फूड से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे इनकी सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे फूड से प्राप्त करते हैं, खा पी के प्राप्त करते हैं सर, ठीक है। नेचर में 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनमें से 4 विटामिन ए डी ई के फैट में सॉल्युबल होते हैं, और बचे हुए जो 9 होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक भाई। टोटल कितने हैं, 13, 4 वसा में घुलनशील हैं और बचे हुए 9 जल में घुलनशील हैं। विटामिन की कमी होने के कारण कई रोग हो जाते हैं। इनकी खोज 1911 में फंक ने की सर, ठीक है। अब देखिए ये तो इनके बारे में बेसिक हमने लिख दिया, अगर आपके पेपर में 3 नंबर में आता है, 7.5 में आता है, इतना आप लिखोगे पर्याप्त। अब यहां देखिए सर, यहां पे हमने सारे के सारे विटामिन जो आपके काम के हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। प्लस कैसे कैसे कहां कहां ये मिलेंगे, इनके केमिकल नेम के लिए आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं। हमने आपको कई बार बताया आपको एक जुगाड़ याद करनी है, रेथारी ऐसा और एकई टोपा, रेथारी ऐसा और एकई टोपा। टोपा बोलेंगे लेकिन पढ़े लिखेंगे टोफा, ठीक है। टोपा बोलने में अच्छा लगता है तो टोपा बोलेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, टोफा। तो रेथारी ऐसा और एकई टोपा, रेथारी ऐसा और एकई टोपा, तो बोलो रे से रेटिनॉल, रे से रेटिनॉल होता है, रे से क्या होता है रेटिनॉल, था से भैया थायामीन, आप नोट कर लीजिएगा आराम से, था से थायामीन, री से होता है रिबोफ्लेविन, री से क्या होता है रिबोफ्लेविन, रेटिनॉल, थायामिन, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन। ए से भैया एंडरमीन, ए से एंडरमीन, सा से साइनोकोबालामिन, 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 बढ़िया। ए से भैया एस्कार्बिक अम्ल, ए से एस्कार्बिक अम्ल, ए से एस्कार्बिक अम्ल, कैसे कैल्सीफेरॉल, कैसे कैल्सीफेरॉल, कैसे कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, और फा से होता है भैया फाइलोक्विनॉन, क्या होता है फाइलोक्विनॉन, ठीक है। अब जी सर जी क्या बता रहे हैं आप, थोड़ा समझ समझाइए, इधर देखिए भाई, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है विटामिन ए, आपको याद कर लेना है, क्या बताओ, रे था री ए सा एकई टोपा, रे था री ऐसा एकई टोपा, सबसे पहले रे, तो विटामिन ए का यहां लिख दे रहा हूं रासायनिक नाम हम लोग लिख रहे हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल, क्या होगा रेटिनॉल, B1 का होगा थायामीन, B2 का होगा रिबोफ्लेविन, A से क्या हो गया B6 का क्या हो गया एंडरमीन, B12 का साइनोकोबालामिन, ये देखिए कितना आसानी से, उसके बाद C का क्या हो गया एस्कार्बिक अम्ल, फिर इसका कैल्सीफेरॉल, इसका टोकोफेरॉल, और आखिरी में टोफा, इसका फाइलोक्विनॉन, ये देखिए है। तो इन सब के इस तरीके से आप केमिकल नेम याद कर लेंगे। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन नाम है याद नहीं, क्या यार 4 बार बोला रेटिनॉल 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 याद हो गया, रेटिनॉल, थायामिन, रिबोफ्लेविन, एंडरमीन, एस्कार्बिक अम्ल, साइनोकोबालामिन, टोकोफेरॉल, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। ऑर्डर कैसे याद करोगे, रेथारी ऐसा एकई टोपा, रेथारी ऐसा एकई टोपा, बात खत्म हो गई सर, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी जो है वो हमने यहाँ पे एरो बना के लिख दिया,
वो खट्टे पदार्थों में मिलता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है, विटामिन सी मिलता है खट्टे पदार्थों में। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ये सारे रोग लिखे हुए हैं। खट्टे पदार्थ मतलब क्या होता है? संतरा हो गया है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में। क्योंकि जो सी है वो दूध में नहीं पाया जाता, सी दूध में नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो सब, अगर कोई पूछे क्या है तो भैया क्या है, दूध पियो, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडे खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ये सारी विटामिन आपको उनमें मिल जाएंगी। विटामिन डी धूप, ठीक है, हमारे बॉडी में ये गुण होता है कि अगर हम लोग धूप में बैठे हैं तो अपने आप जो है विटामिन डी डेवलप होने लगता है सर। ठीक है, विटामिन डी धूप में थोड़ी है लेकिन हमारी बॉडी में एक क्वालिटी है वो उसे डेवलप कर लेती है। तो विटामिन डी क्या होता है? धूप से हम लोगों को मिल जाता है। तो ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी में आदमी को रात में दिखता नहीं है। एनीमिया, ठीक है, ये सब एनीमिया है। कीलोसिस है, सब त्वचा संबंधी रोग है। कीलोसिस मतलब क्या? मुआ हो जाता है, लोग जीभ पे छाले निकल जाते हैं, मुआ हो जाता है, ये सब त्वचा संबंधित रोग हैं। बी वाले जितने, स्कर्वी भी कहीं ना कहीं त्वचा से रिलेटेड ही रोग है। ठीक है, सूखा रोग आप देखा, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ड्राई स्किन, ये सब। ई से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। प्रजनन क्षमता का मतलब बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते हैं। तो इससे क्या है, अंकुरित अनाज खाइए। विटामिन ई के लिए अंकुरित अनाज रात में भिगो दो, सुबह जब अंकुरित हो जाए अंकुरित अनाज खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, ये सब चीजें। बाकी मांस मछली दूध तो सब होता ही है सर। ठीक है, विटामिन के से क्या होता है, आदमी का रक्त का थक्का नहीं जमता है। एक बार उंगली कट गई चूता रहेगा, खून जमेगा ही नहीं। तो कुल मिला के ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है भाई, तो ये पूरा विटामिन है जो आपको 3 से 4 नंबर दिलवा सकता है पेपर में, और काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये हमेशा। ठीक, छोटे क्लास से भी आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSC टेलीग्राम पे, जाइए जाके सर्च कर लीजिए और जुड़ जाइए। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।